इस कहानी में हमने अब तक देखा कि ड्रीम ऑन तुम्हारे पीछे पीछे उन दोनों को भी जल्द ही बेच दूंगा, फिर ऊपर जाकर अपना फैमिली रीयूनियन करना। इतना कहकर बॉस और उसके साथी उस कमरे से निकल ही रहे था कि बाहर से गोलियां चलने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर उन सबके चेहरे के इकरेशन चेंज हो जाते हैं। गोलियां की आवाज सुनकर बॉस, जो उस रूम से बाहर जाने के लिए निकला था, वो अपनी जगह पर रुककर पीछे मुड़कर देखता है तो वो मिस्टर और ऑर्का को खुद की तरफ मुस्कुराता हुआ देखता है, जिसे देखकर बॉस के चेहरे के एक्सप्रेशन गहरे हो जाते हैं। बॉस को बाहर क्या हो रहा है और बाहर चल रही गोलियों के असली कारण भी समझ आता है, जिसके बाद बॉस जल्द ही उस कमरे से बाहर निकलकर अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देकर खुद भी उनके साथ बाहर चला जाता है। अब आगे सीक्रेट बेस को पूरी तरह से ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहने गार्ड ने घेर लिया था। उन सभी गार्ड के चेहरे पर एक यूनिक मास्क था, उन गार्ड के यूनिफॉर्म पर एक यूनिक कलर का लोगो था। बॉस अपने साथियों के साथ सीक्रेट बेस के बाहरी हिस्से में आता है तो उसे अपने सामने अपने आदमियों की लाशें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर बॉस के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। बॉस अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने साथियों को अटैक करने को कहता है, साथ में खुद भी दुश्मनों और गोलियां बरसाने लगता है। बॉस की नजर जब सामने से अपने आदमियों पर हमला करने वाले ब्लैक गार्ड पर पड़ती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि पहले बॉस ने सीक्रेट बेस पर हमला करने वाले अटैकर को ध्यान से नहीं देखा था, पर अब जो बॉस को नजर अटैकर के चेहरे से होते हुए उनके काले यूनिफॉर्म पर बने लोगों पर जाती है तो बॉस की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और बॉस के मुंह से बस दो शब्द निकलते हैं, ब्लैक आर्मी। बूज के मुंह से निकले शब्द को उसके आसपास के गार्ड सुन लेते हैं और उनका निशाना चूक जाता है, और निशाने के चूकते ही दो गार्ड के सिर के नीचे बीच गोली लगती है। अपने गार्ड को गोली लगते ही बॉस अपने होश में आता है और सामने से चल रही गोलियों का जवाब देने लगता है। वही मिस्टीरियस पर्सन, जो बाहर हो रहे हमले से बेखबर आराम से अपने कमरे में बैठकर अपना खाना एंजॉय कर रहा था कि तभी उसके कमरे में उसका असिस्टेंट एंटर करता है, जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ही मिस्टीरियस पर्सन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। असिस्टेंट कमरे में एंटर करता है और अपनी बढ़ती हुई सांसों को नियंत्रित करके मिस्टीरियस पर्सन से कहता है, बिग बॉस बेस पर हमला हुआ है, हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, हमारे आदमियों पर हमलावर बारी पड़ रहे हैं, अगर हम जल्द से जल्द ये से नहीं निकले तो हमारा बचना मुश्किल है। मिस्टीरियस पर्सन अपने असिस्टेंट की बातें सुनते ही अपना हाथ साफ करके अपने जग से उठता है और उस कमरे में ही बने सीक्रेट रूम में एंटर करता है। उसके पीछे ही उसका असिस्टेंट भी एंटर करता है। असिस्टेंट की बात सुन के बाद मिस्टीरियस पर्सन के चेहरे के भाव एक पल के लिए बदल गए थे, पर अगले ही पल वो अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लेता है, जिससे इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और आगे क्या करने वाला है, इस बारे में जान पाना मुश्किल था। मिस्टीरियस पर्सन सीक्रेट रूम में एंटर कर उस रूम में लगे हुए बड़ी सी स्क्रीन के सामने आकर खड़ा होता है और पास में रखे हुए लैपटॉप पर कुछ टाइप करता है, जिससे उसके सामने की बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ वीडियो प्ले होते हैं, जो कि बेस के हर के हिस्से की लाइव फुटेज थी, जिसे देखकर मिस्टीरियस पर्सन की आंखें गहरी हो जाती है। मिस्टीरियस पर्सन के आसपास का ओरा अचानक बदल जाता है। मिस्टीरियस पर्सन का असिस्टेंट, जो उसके पीछे ही था, वो जब अपने बॉस के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन और बॉस से निकलते हुए डेंजरस ओरे को महसूस करता है तो वो बेहद देर जाता है और खुद से ही कहता है, हे भगवान बचा लेना, आज बॉस नहर ही हिस्से में लग रहे हैं, पता नहीं बॉस ने सीसीटीवी फुटेज में क्या देख लिया कि उनके अंदर का हैवान जाग गया, अब आगे क्या होगा और कौन अपने मौत को गले लगाया ये आप ही जानते हो, प्लीज मुझे बचा लेना, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना इस हैवान के हाथ से, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी होने वाली वाइफ का क्या होगा।
नहीं नहीं भगवान प्लीज इस बार मुझे इस हैवान से बचा लेना। असिस्टेंट डर के मारे भगवान से प्रार्थना कर रहा था और वही उसका बॉस यानी के मिस्टीरियस पर्सन अपने सामने चल रही बेस की लाइव सीसीटीवी फुटेज देखकर गुस्से लाल हो गया था। उसका ध्यान अपने पीछे खड़े हुए एसिटेंट पर नहीं जाता। वो सीसीटीवी फुटेज को देख अपने पॉकेट से अपना फोन निकल कर किसी को मैसेज सेंड करता है और फिर खुद कंप्यूटर के सामने आकर बैठता है और उसमें कुछ करने लगता है। इस वक्त मिस्टीरियस पसन की उंगलियां कीबोर्ड बेहद ही तेजी से चल रही थी और उसके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन तेजी से बदल रही थी और कुछ ही सेकंड बाद पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कंप्यूटर स्क्रीन के ब्लैंक होते ही बॉस अपने सामने की बड़ी सी स्क्रीन पर चल रही सीसीटीवी फुटेज का कनेक्शन कर देता है और बिना अपने असिस्टेंट की तरफ दिल्ली तेजी है साथ उस रूम से बाहर निकलता है। वही दूसरी तरफ ब्लैक आर्मी और बॉस के लोग आपस में फाइट कर रहे थे और किसी का ध्यान बेस पर किडनैप किए हुए उन चार लोगों पर नहीं जाता। अयान और अयाना के मॉम डैड को जिस कमरे में बंद करके रखा था उस कमरे के आगे दो लोग आकर रुकते हैं। वो दोनों ही ब्लैक आर्मी के लोग थे। दोनों ही बड़े ही सावधानी से अपने आसपास देखते हुए उस कमरे में एंटर करते हैं जहां पर इस वक्त अयाना और अयान के मॉम डैड थे। उस कमरे में एंटर करते ही उन दो लोगों के ही चेहरे के सामने चमचमाता हुआ चाकू आता है जो उन दोनों के नेक से कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर था। दोनों की आंखें चाकू को देखकर बड़ी हो जाती है पर जल्द को चाकू उन दोनों पर अटैक कर रहा था। वो इन दोनों के हाथ में था और जो इंसान उस चाकू से उन पर अटैक कर रहा था वो जमीन पर बिना किसी सांस के पड़ा हुआ था। सीक्रेट बेस को पूरी तरह से ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहने गार्ड ने घेर लिया था। उन सभी गार्ड के चेहरे पर एक यूनिक मास्क था। उन गार्ड के यूनिफॉर्म पर एक यूनिक कलर का लोगो था। बॉस अपने साथियों के साथ सीक्रेट बेस के बाहरी हिस्से में आता है तो उसे अपने सामने अपने आदमियों की लाशें दिखाई देती है जिसे देखकर बॉस के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। बॉस अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने साथियों को अटैक करने को कहता है साथ में खुद भी दुश्मनों और गोलियां बरसाने लगता है। बॉस की नजर जब सामने से अपने आदमियों पर हमला करने वाले ब्लैक गार्ड पर पड़ती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि पहले बॉस ने सीक्रेट बेस पर हमला करने वाले अटैकर को ध्यान से नहीं देखा था पर अब जो बॉस को नजर अटैकर के चेहरे से होते हुए उनके काले यूनिफॉर्म पर बने लोगों पर जाती है तो बॉस की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और बॉस के मुंह से बस दो शब्द निकलते हैं ब्लैक आर्मी। बूज के मुंह से निकले शब्द को उसके आसपास के गार्ड सुन लेते हैं और उनका निशाना चूक जाता है और निशाने के चूकते ही दो गार्ड के सिर के नीचे बीच गोली लगती है। अपने गार्ड को गोली लगते ही बॉस अपने होश में आता है और सामने से चल रही गोलियों का जवाब देने लगता है। वही मिस्टीरियस पर्सन जो बाहर हो रहे हमले से बेखबर आराम से अपने कमरे में बैठकर अपना खाना एंजॉय कर रहा था कि तभी उसके कमरे में उसका असिस्टेंट एंटर करता है जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदे साफ देखी जा सकती थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ही मिस्टीरियस पर्सन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। असिस्टेंट कमरे में एंटर करता है और अपनी बढ़ती हुई सांसों को नियंत्रित करके मिस्टीरियस पर्सन से कहता है बिग बॉस बेस पर हमला हुआ है। हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हमारे आदमियों पर हमलावर बारी पड़ रहे हैं। अगर हम जल्द से जल्द ये से नहीं निकले तो हमारा बचना मुश्किल है। मिस्टीरियस पर्सन अपने असिस्टेंट की बातें सुनते ही अपना हाथ साफ करके अपने जग से उठता है और उस कमरे में ही बने सीक्रेट रूम में एंटर करता है। उसके पीछे ही उसका असिस्टेंट भी एंटर करता है। असिस्टेंट की बात सुन के बाद मिस्टीरियस पर्सन के चेहरे के भाव एक पल के लिए बदल गए थे पर अगले ही पल वो अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लेता है जिससे इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो क्या सोच रहा है और आगे क्या करने वाला है इस बारे में जान पाना मुश्किल था। मिस्टीरियस पर्सन सीक्रेट रूम में एंटर कर उस रूम में लगे हुए बड़ी सी स्क्रीन के सामने आकर खड़ा होता
है और पास में रखे हुए लैपटॉप पर कुछ टाइप करता है जिससे उसके सामने की बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ वीडियो प्ले होते हैं जो कि बेस के हर के हिस्से की लाइव फुटेज थी जिसे देखकर मिस्टीरियस पसन की आंखें गहरी हो जाती है। मिस्टीरियस पसन के आसपास का ओरा अचानक बदल जाता है। मिस्टीरियस पसन का असिस्टेंट जो उसके पीछे ही था वो जब अपने बॉस के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन और बॉस से निकलते हुए डेंजरस ओरे को महसूस करता है तो वो बेहद देर जाता है और खुद से ही कहता है, हे भगवान बचा लेना, आज बॉस नहर ही हिस्से में लग रहे हैं। पता नहीं बॉस ने सीसीटीवी फुटेज में क्या देख लिया कि उनके अंदर का हैवान जाग गया। अब आगे क्या होगा और कौन अपने मौत को गले लगाया ये आप ही जानते हो। प्लीज मुझे बचा लेना, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना इस हैवान के हाथ से। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी होने वाली वाइफ का क्या होगा। नहीं नहीं भगवान, प्लीज इस बार मुझे इस हैवान से बचा लेना। असिस्टेंट डर के मारे भगवान से प्रार्थना कर रहा था और वही उसका बॉस यानी के मिस्टीरियस पसन अपने सामने चल रही बेस की लाइव सीसीटीवी फुटेज देखकर गुस्से लाल हो गया था। उसका ध्यान अपने पीछे खड़े हुए एसिटेंट पर नहीं जाता। वो सीसीटीवी फुटेज को देख अपने पॉकेट से अपना फोन निकल कर किसी को मैसेज सेंड करता है और फिर खुद कंप्यूटर के सामने आकर बैठता है और उसमें कुछ करने लगता है। इस वक्त मिस्टीरियस पसन की उंगलियां कीबोर्ड बेहद ही तेजी से चल रही थी और उसके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन तेजी से बदल रही थी और कुछ ही सेकंड बाद पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कंप्यूटर स्क्रीन के ब्लैंक होते ही बॉस अपने सामने की बड़ी सी स्क्रीन पर चल रही सीसीटीवी फुटेज का कनेक्शन कर देता है और बिना अपने असिस्टेंट की तरफ दिल्ली तेजी है साथ उस रूम से बाहर निकलता है। वही दूसरी तरफ ब्लैक आर्मी और बॉस के लोग आपस में फाइट कर रहे थे और किसी का ध्यान बेस पर किडनैप किए हुए उन चार लोगों पर नहीं जाता। अयान और अयाना के मॉम डैड को जिस कमरे में बंद करके रखा था उस कमरे के आगे दो लोग आकर रुकते हैं। वो दोनों ही ब्लैक आर्मी के लोग थे। दोनों ही बड़े ही सावधानी से अपने आसपास देखते हुए उस कमरे में एंटर करते हैं जहां पर इस वक्त अयाना और अयान के मॉम डैड थे। उस कमरे में एंटर करते ही उन दो लोगों के ही चेहरे के सामने चमचमाता हुआ चाकू आता है जो उन दोनों के नेक से कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर था। दोनों की आंखें चाकू को देखकर बड़ी हो जाती है पर जल्द को चाकू उन दोनों पर अटैक कर रहा था। वो इन दोनों के हाथ में था और जो इंसान उस चाकू से उन पर अटैक कर रहा था वो जमीन पर बिना किसी सांस के पड़ा हुआ था। अपने ऊपर हमला करने वाले दो लोगों को मत कर वो दोनों उस रूम में एंटर करते हैं तो उनको अपने सामने अयान और अयाना के मॉम डैड रस्सी से बंधे हुए दिखते हैं। उनको देखते ही उन दोनों की आंखें चमकने लगती है। दोनों जल्द ही उन चारों के पास जाकर उनको छुड़ा हो रहे थे कि तभी उनके सिर पर पीछे से वार होता है। दोनों अपने सर से निकल रहे खून को देखते हैं पर पीछे मुड़कर उन पर पीछे से अटैक करने वाले का चेहरा देखते हैं तो उन दोनों की आंखें शोक के मारे बड़ी हो जाती हैं। दोनों कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलते उससे पहले ही उस रूम में दो गोलियां चलती है जो कि उन दोनों के सर के बीचों बीच लगती है और उन दोनों के मुंह से निकलने वाले शब्द मुंह के अंदर हो रहते ही जिस शख्स ने उन लोगों को गोली मारी थी वो शख्स उन दोनों के सामने आकर उनकी डेड बॉडी के सामने खड़े होकर कहता है, तुम लोगों को क्या लगा तुम सब मेरे साम्राज्य में घुसकर इन चारों को छुड़ाकर ऐसे चले जाओगे क्या, इतना आसान आज तुम लोगों ने। वो शख्स अपने पीछे खड़े अपने आदमियों को अयाना और अयान के डैड और मॉम को इस वक्त बेहोश थे उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, इन लोगों को इस बेस के चार कोने में हर एक रस्सी से बांध दो और साथ में उनके ऊपर टाइम बम फिट कर दो जो कि हमारे ये से निकलने के ठीक 5 मिनट बाद ब्लास्ट होगा। इतना कहकर वो ईशान उस रूम से निकल कर सीधा बेस के सीक्रेट एग्जिट डोर की तरफ बढ़ता है जहां पर बॉस और सीक्रेट पसन उसको पहले से ही इंतजार कर रहे थे और साथ में उस सीक्रेट एग्जिट के कुछ ही दूरी पर उन सब को ये से सिर्फ दूसरी जगह ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर रेडी था।
वही दूसरी तरफ सीक्रेट बेस के कुछ ही दूरी पर पार्क की हुई ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स कार के अंदर अपने लैपटॉप के आगे बैठे हुए अयाना और अयान बेस के अंदर जो भी चल रहा है वो सब ब्लैक आर्मी के यूनिफॉर्म पर लगे हुए मिनी कैमरे के तहत अपने लैपटॉप पर देख रहे थे। और जो दो आदमी मिस्टर एंड मिसेज आहूजा और सिंघानिया को छुड़ाने गए थे उनका सिग्नल जहां पर मिस्टर एंड मिसेज आहूजा एंड सिंघानिया को किडनैप करके रखा गया था इस कमरे में एंटर करते ही कट होते देखते हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों ही आंखों हो आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा करके उस कार से निकलकर उस सीक्रेट बेस की तरफ बढ़ते हैं। उनके पीछे फोर गार्ड भी सीक्रेट बेस की तरफ बढ़ रहे थे। वही दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन का हाल कुछ और ही था। आज पूरे 2 दिन हो गए थे तेजवीर सिंघानिया को अपने भाई कबीर सिंघानिया और उसकी पत्नी और बेटे के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी उन तीनों को। और साथ में नवीन आहूजा और उसकी पत्नी एंड बेटी को गाये हुए पूरे 2 दिन हुए थे। पुलिस की भी तलाश जाती थी पर उनके हाथ में अब तक कोई सुराख नहीं मिला था। तेजवीर सिंघानिया इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठकर पाने हाथ में जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थी वो पढ़ रहा था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आगे के 2 पाने पढ़ते ही तेजवीर सिंघानिया अपने हाथ में पकड़ हुई फाइल टेबल पर पटकता है और अपनी गुस्से भरी आवाज में अपने सामने खड़े अपने आदमियों को सुनते हुए कहता है, ये क्या है? मैंने तुम लोगों को एक काम दिया था, वो भी तुम लोगों से ढंग से नहीं होता। आज पूरे 2 दिन हो गए हैं, फिर भी तुम दोनों उन 6 लोगों के बारे में पता नहीं कर पाए। वो लोग कहाँ पर गए हैं? क्या उनको आसमान निगल गया जो अब तक तुम लोग उन सबको ढूंढ नहीं पाए हो? तेजवीर सिंघानिया आगे कुछ कहता तभी उसका फोन रिंग होता है तो वो अपने सामने खड़े अपने आदमियों को गुस्से से घूरता है और फिर एक गहरी सांस लेकर अपना फोन उठाकर कान पर लगता है। जैसे ही तेजवीर सिंघानिया इधर से कुछ कहता उससे पहले ही दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर तेजवीर सिंघानिया के चेहरे की गुस्से की लेकर गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर चमक दिखाई देने लगती है। तेजवीर सिंघानिया अपनी सीट से उठते हुए कहता है, हाँ मैं निकल रहा हूँ, ये से तुम लोग उन पर नजर रखना। इतना कहकर वो कॉल कट करके फोन अपने पॉकेट में रखकर स्टडी रूम से बाहर निकलता है। उसके साथ वो 2 लोग भी निकलते हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले अपना सर झुकाकर तेजवीर सिंघानिया की डांट सुन रहे थे। अयान और अयाना कार से निकलकर तेजी के साथ सीक्रेट बेस की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पीछे ही उनके 4 वेल ट्रेंड बॉडीगार्ड भी सीक्रेट बेस की तरफ बढ़ रहे थे। अयान और अयाना जैसे ही सीक्रेट बेस के फ्रंट एंट्रेंस के बाहर पहुंचते हैं तो उनको एंट्रेंस के बाहर खून और लाशें दिखाई देती है। अयान और अयाना बेस में एंट्री करते हैं, उनको ब्लैक आर्मी का चीफ अपने तरफ आता हुआ दिखाई देता है जिस चेहरे पर परेशानी आसानी से दिखाई दे रही थी। जिसे देखकर अयान और अयाना को कुछ गलत होने का अंदेशा होने लगता है। अयान की पकड़ अयान के हाथ पर कस जाती है जिसे अयान आसानी से महसूस कर पर रहा था। वो अपने दूसरे हाथ से अयाना के हाथ को सहलाते हुए उसे सब कुछ सही होने का दिलासा देता है और ब्लैक आर्मी के चीफ की तरफ बढ़ता है। ब्लैक आर्मी का चीफ जो हद बड़ी में सीक्रेट बेस से बाहर निकल रहा तब वो जब सामने से आते हुए अपने बॉस और लेडी बॉस को देखता है तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। वो अपने बॉस अयान से कहता है, बॉस अच्छा हुआ आप ये पर आए, मैं आपको कब से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर यह पर कॉल ही नहीं कनेक्ट हो रहा है। पता नहीं अचानक की हुआ, जब हमने पहले ये पर एंट्री की थी तब सिग्नल था पर अचानक सारे सिग्नल कट हो गए हैं। बॉस दोनों सर और मैडम की लोकेशन का पता चला गया है। उन चारों को इस बेस के 4 अलग अलग दिशा में कैद किया हुआ है। हमने सारे दुश्मनों को साफ कर दिया है पर बॉस जो मास्टरमाइंड है वो हमें चकमा देकर निकल गए हैं और हमारी पूरी टाइम 4 अलग ग्रुप में बट गई है और मैडम और सर को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। उन लोगों को जहां पर रखा गया है उस कमरे के बाहर ट्रैप हैं। हम कमरे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और मेरे इन्वेस्टिगेशन के तहत इस बेस में बॉम्ब फिट किया गया है और वो कभी भी फट
सकता है, इसलिए हमारे एप्स टाइम बेहद कम है। हमारे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करें। चीफ सर को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए भेजा है। हम आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ब्लैक आर्मी के वाइस चीफ की बातें सुनकर अयान और अयाना के चेहरे पर चिंता की लेकर खींच जाती है। अयान ब्लैक आर्मी के वाइस चीफ से कहता है, उन लोगों को जहां पर कैद किया है हम उस तरफ लेकर चलो। अयान की बात सुनकर बल्क आर्मी का वाइस चीफ अयान को कहां पर अयान को उस तरफ लेकर जाता है जहां पर अयान और अयाना के मॉम डैड में से एक को किडनैप किया गया था। अयान और बाकी के लोग जब वाइस चीफ के साथ इस जग पर पहुंचते हैं तो उनको कमरे के बाहर हथियारों से लुफ्त ब्लैक आर्मी के गार्ड दिखाई देते हैं जो कि उस कमरे के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। जब वो लोग वाइस चीफ के साथ अयाना और अयान को आते देखते हैं तो सभी इनको सैल्यूट करते हैं और उनको रास्ता देते हैं। अयान और अयाना दोनों ही उस रूम के डोर को अच्छे से चेक करते हैं और फिर अपने बैग से एक खास तरह का गोगल निकलते हैं और उसको अपने आंखों पर लगाते हैं जिससे से उनको उस डोर पर बना हुआ मैकेनिज्म आसानी से दिखाई देता है। जिसे देखकर अयान और अयाना दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अयाना अयान की तरफ देखकर अपनी पलके झपका देती है और अपना टैब निकालकर उसमें कुछ करने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद उस पूरे बेस का और उसके आसपास के 500 मीटर्स तक के एरिया का सिग्नल जैम हो जाता है, जिससे अगर इस पूरे बेस कहीं अगर कोई बॉम्ब लग भी हो तो भी विदाउट सिग्नल वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। सिग्नल को पूरी तरह से जैम करने के बाद अयाना अयान की तरफ देखकर डन का इशारा करती है, जिसके बाद अयान अपने सामने लगे डोर के मैकेनिज्म को डीएक्टिवेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ तेजवीर सिग्निया अपने दो आदमियों के साथ सिग्निया महल से निकलकर तेजी के साथ शहर से बाहर शहर से कुछ ही दूरी पर बने एक छोटे से गांव की तरफ बढ़ रहा था। तेजवीर सिंघानिया के चेहरे पर इस वक्त चमक आसानी से देखी जा सकती थी। वही तेजवीर सिंघानिया के सोबनिया मेंशन से निकलकर गांव की तरफ जाने की खबर सीक्रेट बेस से कुछ दूरी पर खड़े मीनाक्षी राज और नील को पता चल गई थी। इस वक्त मीनाक्षी अपने हाथ में दूरबीन लिए सीक्रेट बेस के अंदर क्या चल रहा है वो देखने की कोशिश कर रही थी और उसके आस खड़ी नलिनी आराम से अपने काफी पी रही थी। वही उनके पति नील और राज दोनों ही अपने आदमियों को कुछ समझा रहे थे सीक्रेट बेस के अंदर। अयान बड़े ही आसानी के साथ डोर पर लगे मैकेनिज्म को सॉल्व कर रहा था। कुछ ही सेकंड बाद रूम का डोर ओपन जो जाता है। रूम का डोर ओपन होते जी अयान और अयाना उस रूम के अंदर एंटर करते हैं तो उनको करने के बीच अयाना की मॉम सिया आहूजा चेयर पर रस्सी से बंधी हुई दिखाई देती है, जो कि इस वक्त बेहोश थी। अयाना जब अपनी मॉम को देखती है तो वो जल्दी से अपनी मॉम की तरफ बढ़ती है और उनके गले लग जाती है। उसके आंखों से दो बूंद आंसू सियाजी की हाथ पर पड़ते हैं, जिसे महसूस कर वो होश में आने लगती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उनके आंखों के सामने अयाना का चेहरा दिखाई देता है, जो कि अपने चेहरे पर चिंता परेशानी लिए उनकी तरफ ही अपनी नाम आंखों से देख रही थी। अयाना को अपने सामने सही सलामत देखकर सियाजी आंखों से दो बूंद आंसू उनके गाल पर आ जाते हैं। उनके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है पर अगले ही पल उनके चेहरे पर परेशानी की भाव आते हैं। वो अयाना की तरफ देखकर कहती है, प्रिंसेस आप ये पर कैसे आई। अयान कहा और है अपनी मॉम को होश में आते देख अयाना के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अपनी मॉम की बातें सुनकर वो अपनी मॉम को शांत करते हुए कहती है, रिलैक्स मॉम, आयु ये पर है, ये देखो मेरे पास ही खड़ा है। अयाना के कहने पर सियाजी का ध्यान अपने पास खड़े अयान पर जाता है। वो अयान से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी अयान उनसे कहता है, आंटी रिलैक्स, हम आपको चुदाने आए हैं। ये से इतना कहते ही वो उनके हाथ और पैर की रस्सी या खोलने लगता है और उसके बाद उनसे कहता है, आंटी ये हमारे गार्ड है, ये आपको ये से सही सलामत बाहर लेकर जाएंगे। हम अंकल और मॉम डैड को जल्द ही यह से छुड़ाकर आपके पास लेकर आएंगे।
दिया जी कुछ कहने ही वाली थी कि अयाना उनकी गोद से नीचे उतरकर अपनी मॉम से कहती है, मॉम हमारे पास टाइम बेहद ही कम है, इस अरे बेस पर बॉम्ब फिट किए हुए है, ये का सिग्नल जैम किया है जिसके चलते हम सिर्फ आधे घंटे के लिए इस बॉम्ब को फटने से रोक सकते हैं, उसके बाद ये बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए आप गार्ड के साथ सेफ जगह पर जाओ, हम दोनों डैड और आंटी और अंकल को लेकर आते हैं। इतना कहकर अयाना बिना अपने मॉम को कुछ बोलने का चांस दिए बगैर ब्लैक आर्मी के चीफ को अपनी मॉम को ये से सही सलामत सेफ जगह पर के जाने का ऑर्डर करती है और अयाना के साथ बाकी लोगों को छुड़ाने के लिए उस रूम से निकल जाती है। वही सियाजी बस उन दोनों को अपने से दूर जाते हुए देखती है, उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर दिखाई दे रहा था। अयान और अयाना के उस कमरे से जाते ही ब्लैक आर्मी का चीफ अपने साथियों के साथ सियाजी को उस बेस से सेफ जगह लेकर चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ जहां पर अयान और अयाना दूसरे कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, वही तेजवीर सिंघानिया की कार सीक्रेट बेस के कुछ ही दूरी पर आकर रुकती है, जहां पर इस वक्त नीलराज, नलिनी और मीनाक्षी खड़े थे। तेजवीर सिंघानिया अपनी कार से निकलकर उन चारों की तरफ बढ़ता है। मीनाक्षी को हाथ में दूरबीन लिए सीक्रेट बेस के अंदर क्या चल रहा है वो देखने की कोशिश कर रही थी, वो तेजवीर सिंघानिया के आते हैं अपनी दूरबीन नीचे करके तेजवीर सिंघानिया के सामने जाकर खड़ी होती है। तेजवीर सिंघानिया अपने दोनों छोटे भाई नील और राज और उन दोनों की पत्नियों को अपने सामने खड़े देखकर वो उनसे कहता है, खबर पक्की है ना, कबीर और उसकी पत्नी के साथ उसका दोस्त और साथ में उसकी पत्नी भी इस बेस के अंदर है। अपने बड़े भाई की बात सुनकर नील सिंघानिया कहता है, हाँ भाई 100% खबर पक्की है, पता नहीं उन लोगों ने किसको नाराज किया है, उन लोगों को इस बेस पर पिछले 2 दिनों से कैद करके रखा गया है, हमको अभी कुछ घंटे पहले इस बारे में खबर मिली है और हमने यहाँ पर आकर पूछताछ की तो पता चला कबीर सिंघानिया अंदर ही है और अभी कुछ समय पहले उस कबीर सिंघानिया का बेटा और उसके साथ उसी की उम्र की एक लड़की कुछ गार्ड के साथ बेस के अंदर गई है और हाँ उन दोनों के बेस के अंदर जाने के पहले बेस के अंदर से होली चलने की आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा है हमसे पहले उन लोगों के ये होने की खबर उनके सीक्रेट गार्ड को पता चल गई है और वो उन लोगों ने को उन चारों को छुड़ाने के लिए सीक्रेट बेस पर हमला किया है। नील सिंघानिया की बात सुनकर तेजवीर सिंघानिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाने लगती है। तेजवीर सिंघानिया नील और राज से कहता है, बेस के अंदर गए लोग अभी आए हैं क्या? अपने भाई की बात सुनकर राज कहता है, नहीं भाई अभी तक कोई भी बेस से बाहर नहीं निकला, पर कुछ समय के बाद गोलियां की आवाज आती है, लगता है अभी भी अंदर लड़ाई हो रही है और अब तक चारों को छुड़ाया नहीं गया है। राज की बात सुनकर तेजवीर सिंघानिया गहन सोच में डूब जाता है। तभी सबके कानों में फायरिंग आवाज आने लगती है जो कि बेस की तरफ से ही आ रही थी, जिसे देखकर तेजवीर सिंघानिया अपने दोनों भाइयों से कहता है, अभी हमारे पास कितने आदमी यहाँ पर मौजूद हैं? अपने भाई की बात सुनकर राज कहता है, भाई 40 आदमी है। तेजवीर सिंघानिया कुछ देर तक सोच में डूब जाता है, फिर कहता है, एक काम करो, सबको 4 ग्रुप में डिवाइड कर लो। राज तुम एक ग्रुप को लेकर बेस के आगे वाले हिस्से में बेस पर नजर रखो, नील तुम बेस के पीछे वाले हिस्से में एक ग्रुप को लेकर जाओ और मीनाक्षी तुम और नलिनी तुम दोनों बेस के साउथ डायरेक्शन में ग्रुप को लीड करना, मैं दूसरी दिशा में जाता हूँ और एक बात मेरी कान खोलकर सुनना, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सभी अपने अपने फोन को ऑन रखना, हम ब्लूटूथ से एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, मैं जब इशारा करूँ तब हम सब चारों दिशा से बेस के अंदर घुसेंगे, किसी को कोई शक या कुछ जानना है। तेजवीर सिंघानिया की बातें सुनकर चारों ही अपना सर ना में हिलाते हैं, जिसे देखकर तेजवीर सिंघानिया के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है जो किसी के देखने से पहले गायब हो जाती है। तेजवीर सिंघानिया मन ही मन खुद से ही कहता है, इस बार कबीर सिंघानिया तुम और तुम्हारी फैमिली मेरे हाथ से नहीं छूट पाओगे, इस बार मैं तुमको अपने रास्ते से हटा के ही रहूंगा।
तेजवीर सिंघानिया और उसके भाई और उनकी दोनों पत्नियां अपने साथ 10-10 गार्ड को लेकर बेस को तरफ बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन सबसे अनजान मिस्टीरियस पसंद बॉस और उसके चार साथी और उसी के साथ नया अनजान शख्स सभी उस बेस के अंडरग्राउंड सीक्रेट एग्जिट की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही सेकंड बाद सभी अंडरग्राउंड सीक्रेट एग्जिट से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक बड़ा सा मैदान दिखाई देता है जिसमें हेलीकॉप्टर लैंड किया गया था जो कि उन सभी का ही इंतजार कर रहा था। बिना समय गवाए सभी हेलीकॉप्टर पर बैठ जाते हैं और कुछ ही समय बाद वो हेलीकॉप्टर उस जगह से टेक ऑफ करता है। हेलीकॉप्टर के बेस के कुछ दूरी पर जाने के बाद वो अनजान शख्स ऊपर से धुंधला सा दिख रहे बेस की तरफ एक नजर देखता है। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी और हाथ में छोटा सा मिनी रिमोट था जिसमें दो बटन थे, रेड और दूसरा ग्रीन। ग्रीन बटन बेस पर लगे बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए और रेड बटन बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए था। जैसे ही अनजान शख्स रेड बटन प्रेस करने वाला होता है वैसे ही उसके पास बैठा हुआ मिस्टीरियस इंसान यानी कि बिग बॉस उसको रोक देता है और उससे कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर अनजान शख्स के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। सीक्रेट बेस। अयान और अयान अपने फोर गार्ड के साथ अगले कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जहां पर अयान और अयाना के मॉम डैड में से किसी एक को कैद करके रखा गया था। वही ब्लैक आर्मी का चीफ अयान की मॉम को बेस से सीक्रेट तरीके से सेफ जगह पर लेकर जा चुका था। अयान और अयाना कुछ ही देर में एक कमरे के पास आते हैं जहां पर पहले से ही ब्लैक आर्मी के गार्ड की एक टुकड़ी इस कमरे के डोर को खोलने की कोशिश कर रही थी। जब उन गार्ड को अपने पीछे किसी के होने की एहसास होता है तो सभी अलर्ट हो जाते हैं और पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो उनको अयान और अयाना चार लोगों के साथ उनकी तरफ आते हुए दिखते हैं। अपने बॉस और लेडी बॉस को देखकर उन सभी गार्ड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। वो सभी डोर के आगे से साइड हो जाते हैं जिससे अयान और अयाना उस डोर के पास पहुंच जाते हैं। अयान और अयान अच्छी तरह से उस डोर के लोक में बने मैकेनिज्म को समझकर बड़े ही आसानी से उस डोर को ओपन करते हैं और उस रूम के अंदर एंटर करते हैं तो उनके सामने बेहोश की हालत में चेयर पर बंधे हुए कबीर सिंघानिया दिखते हैं जिनके चेहरे पर और बॉडी पर कई जगह पर चोटों के निशान थे जिसे देखकर अयान और अयाना की आंखें नम हो जाती है और अगले ही पल उन दोनों की आंखों में एक अलग ही तरह की कोल्डनेस और रूथलेसनेस दिखाई देती है। अयान जल्द ही आगे बढ़कर अपने डैड को रस्सियों से आजाद करता है। वही अयाना आगे बढ़कर कबीर सिंघानिया की हाथ की प्लस चेक करके उनके मुंह में टैबलेट डाल देती है जिसके बाद वो अपने पीछे खड़े गार्ड से कहती है शेरा अंकल को जल्दी से यहाँ से सेफ जगह पर लेकर जाओ और इनका फर्स्ट एड कर देना। कुछ ही देर में इनको होश आ जाएगा। याद रखना इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम पर है। शेरा अयान और अयाना के साथ जो चार गार्ड थे उनमें से एक है जो आज तक अपने किसी भी मिशन में फेल नहीं हुआ है। आज तो उसको जो भी काम करने को दिया था वो हर हाल में उसने पूरा किया था। अकेला शेरा ही 100 लोगों पर बारी था और कबीर सिंघानिया की हालत देखकर इस वक्त अयाना को उनको शेरा के साथ बेस से सही सलामत सेफ जगह पर जाना ही बेस्ट सॉल्यूशन लगा। शेरा के ऊपर कबीर सिंघानिया के सेफ्टी की जिम्मेदारी डालकर अयाना बाकी के ब्लैक आर्मी के गार्ड से कहती है तुम सब शेरा के साथ जाओगे और उनके को प्रोटेक्ट करोगे। हमारे पास टाइम बेहद ही कम है इसलिए जल्द से जल्द पहले अंकल को इस जगह से सेफ जगह लेकर को और उसके बाद उनके घावों पर दवाई लगाना। हम जल्द ही तुम सब लोगों को वहां पर मिलते हैं। अयाना की बात सुनकर सभी एक साथ कहते हैं यस बॉस और वहां से कबीर सिंघानिया को लेकर चले जाते हैं उस रूम मैं। इस वक्त बस अयान और अयाना और उनके साथ बाकी के थ्री गार्ड थे। शेरा के जाने के बाद चार गार्ड में से बस थ्री गार्ड हो रह गए थे। अयाना अयान की तरफ देखकर कहती है आयु हमारे पास टाइम बेहद ही कम है। मॉम और अंकल को तो हमने छुड़ा लिया पर अभी डैड और आंटी को छुड़ाने हैं और हमारे पास अब बस 15 मिनट बचे हैं। उसके बाद बॉम्ब एक्टिवेट हो
जाएगा, इसलिए हमको जल्द से जल्द उन लोगों के पास पहुंचना होगा और इसलिए हम दोनों को अलग अलग दिशा में जाना होगा। अयाना ने बस इतना ही कहा था कि अयान के आईब्रो से क्यूट जाती है, उसके चेहरे पर अनचाहा डर दिखाई देने लगता है। अयाना जब अयान के बड़ी हुए एक्सप्रेशन देखती है तो वो अयान का हाथ अपने हाथ में पकड़ की उसको समझते हुए कहती है, आयु मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, हमारे पास टाइम बेहद कम है, इसलिए हमको अलग अलग दिशा में जाना होगा। डॉल मैं समझ रहा हूँ, पर हमारा अलग अलग जाना जरूरी है, क्या मैं हम दोनों साथ में मिलकर उनको छुड़ा लेंगे, मैं तुमको अकेले नहीं जाने दूंगा। अयान अयाना की बातें सुनकर अपनी परेशानी भरी आवाज में अयाना से कहता है। अयाना अयान को बड़े मुश्किल से समझाकर अपने साथ टू गार्ड को लेकर अपने सामने की तरफ बढ़ती है तो अयान अपने से दूर जाती हुई अयाना की छवि को देखकर उसके अपोजिट साइड में गार्ड के साथ बढ़ता है और साथ में मन ही मन खुद से कहता है, डॉल नहीं, इस बार मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, जल्द ही उनके और मॉम जो भी उस तरफ है उनको छुड़ा कर मैं तुम्हारे पास आऊंगा, पता नहीं पर मुझे बेहद घबराहट हो रही है। अयान और अयाना दोनों ही एक दूसरे से ब्लूटूथ से कनेक्ट थे, जिससे दोनों में से कोई भी संकट में हो तो उनको आसानी से पता चल जाएगा। अयाना और अयान दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट साइड में बड़े ही तेजी से बढ़ रहे थे। वही दूसरी तरफ जब अनजान शख्स मिस्टीरियस पसंद की बात सुनता है तो कुछ वक्त के लिए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, पर अगले ही पल फिर से उसके एक्सप्रेशन पहले जैसे हो जाते हैं। वो अपने हाथ में पकड़ हुए रिमोट की तरफ एक नजर देखता और फिर बेस की दिशा में देखता है, जो कि उस वक्त उन सबसे काफी पीछे रह गया था, और वो सभी बड़ी ही तेजी के साथ उस बेस से दूर जा रहे थे। अनजान शख्स बेस की दिशा में देखकर डेविल स्माइल करता है और फिर अपने बैग से अपन लैपटॉप लेकर उसको ऑन करके उसमें कुछ टाइप करने लगता है। इस वक्त उसकी उंगलियां उस लैपटॉप पर तेजी के साथ चल रही थी। 5 मिनट बाद उसकी उंगलियां रुकती है और लैपटॉप से अपनी नजरें उठाकर बेस की तरफ देखता और शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, मुझसे होशियारी वैसे मानना पड़ेगा, तुम जो भी हो बड़े टैलेंटेड, पर मुझसे कम। अब देखता हूँ तुम सब कैसे बच पाते हो मेरे इस हुक्म के इक्के से। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। अनजान शख्स को बिना किसी बात के हंसते हुए देखकर बॉस और उसके 4 साथी उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। वही अनजान शख्स को खुद के ऊपर किसी के नजरों का आभास होते ही वो उस तरफ देखता है तो उसको मिस्टीरियस पसन को छोड़कर बॉस और उसके 4 पंचक खुद की तरफ हैरानी से देखते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर अनजान शख्स उनकी तरफ देखकर आई विंक करता है, जिसे देखकर बॉस और उसके 4 साथी अपनी नजरें अनजान शख्स से हटाकर हेलीकॉप्टर की विंडो से बाहर देखने लगते है। अनजान शख्स हल्का सा मुस्कुराता है और फिर अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करने लगता है, जिससे उसके लैपटॉप की स्क्रीन हर सेकंड में बदल रही थी। मिस्टीरियस पर्सन इस वक्त अपनी दोनों आंखों को बंद करके अपनी सीट पर आराम से बैठा हुआ था, तभी अचानक उसको अपने सामने कुछ धुंधली सी तस्वीर दिखाई देती है और अचानक उसके सामने एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, फिर उजाला ही उजाला, और उसी के साथ उसके कानों में जानी पहचानी चीखें सुनाई देने लगती है। वो दृश्य जो कि धुंधला था, फिर भी वो बेहद ही डरावना और भयानक लग रहा था। ये अब अपने सामने देखकर मिस्टीरियस पसंद घबरा जाता है, उसके माथे पर पसीने की बूंदे आने लगती है, हाथ में उसकी सांस भी तेज होने लगती है। मिस्टीरियस पसंद अपने इस भयानक और डरावने ड्रीम से बाहर आने की बेहद कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब होता है। वो अपनी आंखों को जितनी बार खोलने की कोशिश करता, उसी के साथ उसकी आंखें एक दूसरे से चिपक जाती। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें ग्लू लगाकर चिपकाई गई हो। मिस्टीरियस पसंद जहां अंदर से खुद ही खुद से लड़ रहा, तब वही यूज साथ बैठे हुए लोगों के लिए वो अपनी आंखें बंद करके आराम एक रहा हो को चिंता और उसी माथे पर आया पसीना और उसकी घबराहट और अपनी बंद आंखों को खोलने की दड़पट वहां मौजूद किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। उनके मुताबिक वो आराम कर रहा था, पर असल में बात कुछ और ही थी।
मिस्टीरियस पसंद जो अपनी बंद आंखों से जो भयानक और डरावना और रूह को अंदर तक कांपने वाला दृश्य देख रहा था। अचानक वो दृश्य उसी सामने से गायब हो जाता है और उसके आंखों को सामने अंधेरा छा जाता है। इस वक्त मिस्टीरियस पसन एक अंधेरे जगह पर खड़ा था, उसके आसपास अंधेरा ही अंधेरा था, अंधेरे के शियावर कुछ भी नहीं था। जहां तक उसकी आज जाती विवाह पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था। मिस्टीरियस पसन उस अंधेरे से निकलने की बेहद कोशिश करता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। अंधेरे से अभी निकलने की बजाय और गहरे अंधेरे में चला जाता है, जिसे देखकर अब तो मिस्टीरियस पसंद की फट ही गई थी। इस वक्त अगर कोई उसके चेहरे पर रोशनी डाले और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस करे तो उसमें मिस्टीरियस पसंद के चेहरे पर हर टाइम होने वाली मिस्टीरियस स्माइल और नहीं कोई एटीट्यूड एरोगेंस था तो सिर्फ घबराहट डर पीला पड़ा हुआ चेहरा। मिस्टर रिपस पसंद जो अंधेरे में खुद ही खोने लगा था, अचानक उसके सामने का दृश्य फिर एक बार बदल जाता है और अब धीरे धीरे उसके सामने रोशनी की किरण दिखने लगती है, जिसे देखकर मिस्टीरियस पसंद के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ जाती है, जो कि पहले दृश्य से बिल्कुल अलग थी। इस वक्त मिस्टीरियस पसन को अपने सामने पच धुंधली सी परछाई दिखाई देती है, जो कि एक बड़े से करने में ही दूसरे के आमने सामने चेयर पर बैठकर किसी बात पर डिस्कस कर रही थी। पर अचानक उस कमरे के अंदर कुछ आदमी जिस जाते हैं जिनके हाथ में गन थी और उन लोगों ने उन गन को उस कमरे में मौजूद उन पांच लोगों पर पॉइंट किया था, जिससे वो पांच ही लोग अपनी जगह से खड़े होकर अपने हाथ ऊपर उठा लेते हैं। वही वो पांच लोग कुछ कह पाते या अपने बचाव के लिए कुछ एक्शन लेते उससे पहले ही उन पांच पर गोलियां की फायरिंग होती है और वो सब नीचे गिर जाते हैं। मिस्टीरियस पसन अपने सामने खून खराबे का दृश्य फायरिंग देखता है तो पता नहीं क्या पर उसके सीने में एक अनजाना सा दर्द होने लगता है। जिस शख्स ने अपनी सारी जिंदगी खून खराबा मारपीट के सिवाय कुछ नहीं किया, जो कि अपनी पलके बिना झपकाए लोगों को मौत के घाट उतरता था, वो शख्स आज अपने सामने पांच लोगों पर फौनिग होते हुए देखकर उनके खून से लाल हो चुके शरीर को देखकर बेहद ज्यादा डर और घबरा गया था। वो शख्स तो उन पांच लोगों को अच्छे से जानता भी नहीं था, या यूं कहे वो पांच लोगों की और उन पर हमला करने वालों की उसको बस धुंधली सी छवि दिखाई दे रही थी। गिर भी उन लोगों की हालत देखकर उसका दिल रो रहा था। मिस्टीरियस पसन जो इतनी देर तक अंधेरे में कैद था, अचानक अपने सामने रोशनी आ जाने से उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है और कुछ देर बाद उसकी आंखें ओपन होती है तो उसके सामने फिर से कुछ धुंधली सी आकृतियां दिखाई देने लगती है। मिस्टीरियस पसन अपने एक ड्रीम से उबर पाता उससे पहले एक बार फिर उसके सामने का दृश्य बदला जाता है। एक बार फिर उसके सामने धुंधली सी तस्वीरें और फिर एक बार मौत का तांडव दिखने लगता है, जिसे देखकर बाद अब उसको अटैक आना बाकी था। वही अयान और अयान, जो कि एक दूसरे के अपोजिट दिशा में अपने फैमिली को ढूंढ रहे थे, दोनों को उनकी असली लोकेशन बड़ी ही आसानी से बिना कोई मुश्किल के मिल जाती है। वो दोनों ही अलग अलग जगह अलग अलग कमरे के आगे खड़े होते हैं। उन अलग अलग कमरे के सामने पहले ब्लैक आर्मी के गार्ड खड़े थे और वो सभी उस करने के डोर को खोलने की कोशिश कर रहे थे। अयाना इस वक्त जिस करने के बाहर खड़ी थी, वो कमरा अब तक के दो कमरे से बिल्कुल ही अलग था। इस करने कुछ तो ऐसा था जो अयाना को सोचने पर मजबूर कर रहा था। अयाना बड़े ही सावधानी के साथ अपने कदम धीरे धीरे उस कमरे के नजदीक बढ़ती है। अयाना बस दो कदम की दायरी पर थी ब्लैक आर्मी के गार्ड से और कुछ 10 कदम की दूरी पर उस करने के डोर से। तभी अचानक एक अजीब सी म्यूजिक की धुन सबके कान नहीं पड़ती है और अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर अयान के होश उड़ जाते हैं। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।